नमस्ते प्यारे बच्चों कैसे हो उम्मीद करते हैं आप सभी अच्छे और अपनी पढ़ाई भी अच्छे से कर रहे हैं तो आज मैं आपको करा रही हूँ आपकी मैथ्स की वर्कशीट नंबर वन हंड्रेड थर्टी और ये है आपकी टेंथ दिसंबर टू थाउजेंड ट्वेंटी वन की वर्कशीट तो आज हम इसमें क्या पढ़ेंगे आज हम इसमें कैलेंडर को रीड करना और उसका ड्यूरेशन या जो महीनों के नाम हैं उनमें कितने दिन होते हैं इन सारी चीज़ों के बारे में पढ़ेंगे ठीक है तो वर्कशीट शुरू करने से पहले आप अपनी क्लास लिखेंगे क्लास के साथ आप अपना सेक्शन भी मैंशन करेंगे जो भी है और नाम और अपनी टीचर का नाम लिखने के बाद यह वर्कशीट शुरू करेंगे तो हम भी शुरू कर देते हैं आज की वर्कशीट कैलेंडर प्यारे बच्चों आइए आज कविता पढ़ते हैं चलिए हम कविता पढ़ लेते हैं एक साल में होते बारह महीने आओ अब इन्हें इन्हें गिने पहला माह जनवरी फिर आए फरवरी तीसरा मार्च है होली का उल्लास है अप्रैल है चौथा महीना पक्की पक्की फसल उगाना गिना पाँचवा महीना होता मई मही, गर्मी की शुरुआत हुई छठा महीना आया जून तपता सूरज देता भून सातवा आया जब जुलाई छुट्टियों के बाद शुरू पढ़ाई फिर आया अगस्त जिसमें होती बारिश मस्त नवा महीना होता सितंबर निर्मल स्वच्छ हो जाता अंबर दसवा माह अक्टूबर ग्यारहवा है नवंबर आखिर में आए दिसंबर सभी रजाई के अंदर तो यहाँ पर सारे महीनों के नाम दिए गए देखिए जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर और दिसंबर ठीक है अब यहाँ पर ध्यान दीजिए आपको एक, एक ये, एक ये पिक्चर दी गई है अब इसमें क्या दिया गया है इसमें हमारे महीनों के हिसाब से जो हमारे मौसम होते हैं उनके नाम दिए गए हैं जैसे अगर हम शुरुआत करते हैं जनवरी महीने से तो जन मान लीजिए हमने शुरुआत की समर से यानी कि जो गर्मी का सीजन होता है वो कौन कौन से महीनों में आता है तो जनवरी आती है जून जुलाई और अगस्त में फिर ऑटम यानी कि बसंत पतझड़ कब आता है पतझड़ का मौसम कब आता है सितंबर अक्टूबर और नवंबर में फिर सर्दी कब आती है जस्ट वेट सर्दी कब आती है वो आती है दिसंबर जनवरी और फरवरी में और वसंत का मौसम कब आता है वो आता है आपका मार्च अप्रैल और मई में ठीक है तो इस तरीके से महीनों के हिसाब से हमारे सीजन भी बदलते हैं तो आइए देखें आगे क्या करना है हमें बच्चों क्या आपने पहचाना कि इस यह कविता किस विषय पर है जी हाँ महीनों के नाम पर है ना ये महीनों के नाम हम बता रहे हैं प्रत्येक वर्ष में बारह महीने होते हैं आइए इन महीनों के नाम और इनके दिनों की संख्या को नीचे दी गई तालिका में पूरा करते हैं चलिए करते हैं देखिए महीनों के नाम और कितने दिन हैं तो जनवरी में कितने दिन होते हैं इकतीस फरवरी में कितने दिन होते हैं फरवरी में वैसे अट्ठाईस दिन होते हैं लेकिन जो लीप का ईयर होता है उसमें उनतीस दिन होते हैं फिर मार्च फरवरी के बाद मार्च मार्च में इकतीस दिन अप्रैल में तीस दिन मई में इकतीस दिन जून में तीस दिन जुलाई में इकतीस दिन और अगस्त में भी इकतीस दिन होते हैं ठीक है सितंबर में तीस दिन होते हैं अक्टूबर में अक्टूबर में इकतीस दिन नवंबर में नवंबर में तीस और दिसंबर में दिसंबर में इकतीस दिन होते हैं तो एक तो आपके जुलाई और अगस्त में इकतीस दिन होते हैं और जो लगातार दो महीने आते हैं और दिसंबर और जनवरी में भी इकतीस इकतीस दिन होते हैं यानी कि साल के पहले और आखिरी महीने में इकतीस इकतीस दिन होते हैं और साल का जो सातवां और आठवां महीना होता है उसमें भी लगातार इकतीस से इकतीस दिन होते हैं नहीं तो हर एक महीने के बाद तीस दिन का महीना आता है या फिर अट्ठाईस दिन का महीना आता है पर अट्ठाईस से उनतीस दिन का एक ही महीना होता है जो कि फरवरी होता है बाकी सारे महीने आपके तीस या इकतीस दिन के होते हैं ठीक है चलिए अब आगे देखें अंकिता को हॉकी खेलना बहुत पसंद है वह छुट्टियों में हॉकी की अकेडमी में खेलने जाती है क्या आप तालिका को पूरा करते हुए बता सकते हैं कि वह वर्ष 2019 में कितने दिन हॉकी की अकेडमी गई चलिए देखते हैं पहले कब जाना उसने शुरू किया उसने 2 जनवरी 2019 से जाना शुरू किया और कब तक गई वो गई है 15 जनवरी 2019 तक तो यहाँ पर हम दिन गिन लेते हैं अगर मैं ऊपर यहाँ लिख कर दिखा दूँ वो तीन तारीख को गई चार पाँच छः सात आठ नौ दस ग्यारह बारह तेरह चौदह और पंद्रह ठीक है वो पंद्रह तारीख तक गई तो वो कितने दिन गई है एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ दस ग्यारह बारह और तेरह दिन ले गई, गई है या आप इसको सिंपल भी कर सकते थे पंद्रह घटा दो बराबर कितना आएगा तेरह ठीक है अब वो गई है ग्यारह मई से तीस जून तक ठीक है ग्यारह मई से गई वो तीस जून तक तो आप सबसे पहले तो देख लीजिए पूरे के पूरे तीस दिन गई वो जून में है ना और ग्यारह से इकतीस तक उसको गिनिए मई में तो ग्यारह में से इकतीस में से ग्यारह माइनस कर दें जीरो और टू यानी कि बीस दिन वो गई कब मई में है ना तो ये कितने हो जाएंगे पचास दिन उसके आदेश दो अक्टूबर से सात अक्टूबर गई तीन अक्टूबर से सात अक्टूबर गई यानी कि जस्ट वेट यहाँ पर ना यहाँ पर फोर्टीन डेज आएंगे क्योंकि वो दो तारीख़ को भी गई थी जस्ट वेट मैं एक बार दोबारा से पूरा सॉल्व कर दूँ दो जनवरी से पंद्रह जनवरी तक वो गई कितने दिन चौदह दिन ग्यारह मई से तीस जून तक जब वो गई तो कितने दिन गई यानी वो ग्यारह मई को भी गई थी तो ग्यारह बारह तेरह चौदह पंद्रह सोलह सत्रह अठारह उन्नीस बीस इक्कीस बाईस तेईस चौबीस पच्चीस छब्बीस सत्ताईस अट्ठाईस उनतीस तीस इकतीस इकतीस दिन वो गई इकतीस तारीख तक गई वो मई में तो कितने दिन गई यानी इक्कीस दिन वो गई मई में और तीस पूरे दिन गई वो किस में जून में तो कितने दिन गई है वो फिफ्टी वन डेज और तीन अक्टूबर से सात अक्टूबर तक जब वो गई है तो तीन चार पाँच छः और सात यानी कि पाँच दिन गई है और उसके बाद वो अट्ठाईस दिसंबर से इकतीस दिसंबर तक गई है यानी कि अट्ठाईस उनतीस तीस और इकतीस यानी कि चार दिन गई है आपको वो दिन भी जोड़ना है जिस दिन उसने जाना शुरू किया और वो दिन भी जोड़ना है जिस दिन आखिरी दिन गई है तो हमारे इतने दिन बनेंगे यानी कि दो जनवरी से पंद्रह जनवरी जब तक गई चौदह दिन ग्यारह मई से तीस जून इक्यावन दिन तीन अक्टूबर से सात अक्टूबर पाँच दिन और अट्ठाईस अक्टूबर दिसंबर से इकतीस दिसंबर तक चार दिन तो वो टोटल कितने दिन गई है तो इन सब को जोड़ देते हैं हम जैसे फोटीन प्लस फिफ्टी वन प्लस फाइव और प्लस फोर इन सबको प्लस कर देंगे तो कितना बनेगा चार चार आठ या हम कर सकते हैं पाँच चार नौ और एक दस और चार, चार चौदह हँस लेगी एक पाँच और छः और एक सात यानी कि वो टोटल कितने डेज गई है सेवेंटी फोर डेज गई है ठीक है तो उम्मीद आपको समझ में आएगा अगर आपको ये समझ में नहीं आ रहा तो आपके घर में जो भी कैलेंडर हो आप उस कैलेंडर को लेकर इसे कैलकुलेट करिए कि उस जिस दिन से उसने जाना शुरू किया और जिस दिन तक गई सारे जो दिन हैं या जो तारीख है उनको गिनकर फिर लिख लीजिए तो आपको आसानी रहेगी ठीक है तो पेरेंट्स आपके लिए सजेशन है कि जो विभिन्न फसलों से जुड़े हुए त्यौहार हैं जैसे बैसाखी पीहू ओणम सॉरी बिहू ओणम मकर संक्रांति इन सभी के बारे में बच्चों को बताएं तो उम्मीद है आपके लिए ये वर्कशीट यूज़फुल होगी अगर यूज़फुल रही है तो इसे लाइक कीजिए शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए धन्यवाद